नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर्स में हम पढ़ते हैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें। जैसे आपको पता होगा, हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस के बारे में जो है, मतलब जो हमारे स्टैटिक जीएस होता है उसकी प्रैक्टिस करते हैं कुछ क्वेश्चन, और पिछले डे जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके आंसर बताए जाते हैं, और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि करंट अफेयर्स से रिलेटेड होती है क्वेश्चन फॉर्मेट में, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ते हैं। और इस वीडियो का नाम होता है मॉर्निंग जीके कैप्सूल 2.0, और जिसमें हम सारी चीज़ें, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो की आपको जो है पीडीएफ प्राप्त हो, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, साथ में जो वेबसाइट है इनको फॉलो कर सकते हैं पीडीएफ के लिए और कुछ अदर इन्फॉर्मेशन के लिए। और आज है 16 नवंबर 2018, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस के बारे में। तो सबसे पहले देखिए, आपके सामने 6 क्वेश्चन आए हैं, इनके आंसर अगर आपको पता है तो आप वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में इनका आंसर दे सकते हैं, नहीं तो मेरे द्वारा बताया तो जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था क्या है। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का केंद्र बिंदु क्या है। फिर उसके बाद है, द वेल्थ ऑफ नेशन का प्रकाशन कब हुआ। इसके अलावा अर्थव्यवस्था की मुख्य चुनौतियाँ क्या है। फिर वितरण तंत्र मॉडल, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है उसका मॉडल आपको बताना है। इसके अलावा अर्थव्यवस्था का संगठन, इसको समझाना है। तो इनमें से अगर आपको किसी प्रकार के जो क्वेश्चन है उनको आंसर अगर आप देना चाहते हैं, अगर आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो चलिए देखते हैं एक एक करके सबके आंसर। तो सबसे पहला क्वेश्चन की बात करते हैं, अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है। तो जैसे मान लीजिए एक नियमावली है, नियमावली यानी कि एक सिद्धांत मान लेते हैं। सिद्धांत क्या होता है भाई, नियमों की जो पुस्तक होती है, एक कार्य करने की मेथड होती है, तो वो क्या कहलाती है, हम मान सकते हैं उसको अर्थशास्त्र। और वही सिद्धांत अगर किसी व्यक्ति या किसी देश के द्वारा उसको फॉलो कर लिया जाता है तो वो बन जाती क्या, अर्थव्यवस्था। तो यहाँ वही बात की जा रही है कि जो अर्थशास्त्र है और अर्थव्यवस्था है उनका संबंध, मतलब उनके बीच में क्या संबंध है। सामान्य रूप से जो सिद्धांत होता है और मतलब प्रैक्टिकल होता है, तो इनका संबंध इस प्रकार से है। जैसे मान लीजिए अर्थशास्त्र है तो क्या है, एक ग्रंथ है, और अगर किसी कंट्री के द्वारा उसको फॉलो कर लिया जाए, मतलब अपनी आर्थिक नीतियों की अर्थव्यवस्था को मेंटेन करने के लिए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अर्थव्यवस्था। तो उदाहरण के तौर पर हम मान सकते हैं जैसे भारत की अर्थव्यवस्था, रूस की अर्थव्यवस्था, अमेरिका की अर्थव्यवस्था। तो इस प्रकार से अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का केंद्र बिंदु क्या है। तो अर्थशास्त्र का जो केंद्र बिंदु है, हमको पता है जो पूरी पृथ्वी है उसका मुख्य केंद्र बिंदु हम मान सकते हैं मानव, मतलब जो भी क्रिया है मानव से रिलेटेड है, और मानव की क्रियाओं को ही मेंटेन करने के लिए हम अर्थशास्त्र का प्रयोग करते हैं। तो हम बोल सकते हैं अर्थशास्त्र का केंद्र बिंदु मानव है, मतलब मानव के जीवन को बेहतर से बेहतर बनाना इसका केंद्र बिंदु माना जाता है। अब उसकी बहुत सारी जो होती है, मतलब जो मनुष्य होती है, मनुष्य के जीवन की जो गुणवत्ता होती है उसको बेहतर से बेहतर बनाना, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है, तो इसका केंद्र बिंदु माना जाता है। फिर देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, देखिए द वेल्थ ऑफ नेशन का प्रकाशन कब हुआ था। ये 1776 में हुआ था, और किसके द्वारा किया गया था, जो अर्थशास्त्री थे, यानी कि आधुनिक अर्थशास्त्र के जन्मदाता बोलते हैं हम एडम स्मिथ को, और स्कॉटलैंड के ये दार्शनिक और अर्थशास्त्री थे। इन्होंने 1776 में इसका प्रकाशन किया था, किसका, द वेल्थ ऑफ नेशन। इसके अलावा यहाँ देखते हैं हम अर्थव्यवस्था की मुख्य चुनौतियाँ क्या है। हमको पता है अर्थशास्त्र जो है मुख्य केंद्र बिंदु मानव है, तो मानव से रिलेटेड यानी कि अपनी जनसंख्या, जो अर्थव्यवस्था होती है किसी कंट्री की होती है, क्योंकि अर्थशास्त्र नहीं पूछा गया, अर्थव्यवस्था पूछा है, किसी कंट्री की जनसंख्या यानी कि अपनी जनसंख्या की जो है आवश्यक पूर्तियाँ, आवश्यक जो सेवाएं होती है, वस्तु होती है, उसकी पूर्ति करना क्या कहलाता है, इसकी मुख्य चुनौती माना जाता है। अब पूर्ति कैसे, जो कम संसाधन होते हैं ना, कम प्राकृतिक संसाधनों में अच्छा से अच्छा प्रोडक्शन कैसे करें और उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें, मतलब लोगों के बीच में इस प्रकार डिस्ट्रीब्यूशन हो ताकि सब लोगों तक उसकी पहुँच हो सके, इसे बोलते हैं हम मुख्य चुनौती। तो मुख्य रूप से जो जनसंख्या होती है उसको वस्तुएँ और सेवाओं को उपलब्ध कराना, इसकी मुख्य चुनौती हम बोल सकते हैं। फिर वितरण तंत्र मॉडल क्या है, तो वितरण तंत्र मॉडल का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल। जैसे मान लीजिए हमने जो है कम संसाधनों में अच्छे से अच्छा प्रोडक्शन करे हैं, परंतु जो डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है वो अच्छा नहीं है, तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो बेकार जाएगा, सिंपल सी बात है, बेकार जाएगा। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल आपका अच्छा होना चाहिए। तो तीन प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल होते हैं अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, कौन कौन से होते हैं, जैसे राज्य के द्वारा यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है, राशन दुकानें होती है गवर्नमेंट के द्वारा, या बहुत सारी ऐसी फैसिलिटी होती है जिसके द्वारा गवर्नमेंट के द्वारा सीधे जनसंख्या या फिर
जो व्यक्ति होते हैं उनको प्रोवाइड कर दी जाती सेवाएं। उसके अलावा बाजार होता है, बाजार यानी कि मांग और पूर्ति पर डिपेंड करता है और दोनों का मिला जुला रूप कहलाता है बाजार और राज्य। तो ये तीन मॉडल होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन करने के। फिर बात करते हैं छठवां नंबर का क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था का संगठन को समझाइए। अर्थव्यवस्था जो है कौन कौन सी चीज़ों से मिलकर बना, तीन होते हैं मुख्य रूप से, तो कौन कौन सी होती है। देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसका जो सिद्धांत दिया था किसने दिया था, हमारे जो मॉडर्न जो अर्थशास्त्र है उसके जन्मदाता है एडम स्मिथ, इनके द्वारा इसका सिद्धांत दिया गया था पूंजीवादी। और ये मुख्य रूप से अमेरिका में इसका यूज़ किया गया था और जो है हस्तक्षेप की नीति इसमें क्या की गई थी, प्रयोग की गई थी। मतलब एक प्रकार से प्रतिस्पर्धा होना चाहिए और हस्तक्षेप की नीति जो है प्रयोग होना चाहिए, इसमें मुख्य रूप से इसको बताया गया था। और यहाँ अगर बात करें हम राज्य अर्थव्यवस्था यानी कि समाजवादी अर्थव्यवस्था इसे हम बोल सकते हैं, तो इसका सिद्धांत दिया था कार्ल मार्क्स ने, ये भी आपको याद रखना है। और ये रूस और चीन में इसका मुख्य रूप से प्रयोग किया गया। इसके अलावा मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये दोनों का मिला जुला रूप क्या कहलाता था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इसका जो सिद्धांत दिया था जेन मेनार्ड कीन्स ने इसका सिद्धांत दिया था। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पिछले डे के क्वेश्चन थे उनके आंसर के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए पांच क्वेश्चन पूछा गया था। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ देखिए, राष्ट्रीय आवास बैंक ये जो है किसकी एक पूर्ण स्वामित्व वाली समानुसंगी यानी कि उसकी समान की एक शाखा है, जिसकी स्थापना जो है 1988 में की गई थी। तो ये किसके समान एक शाखा है, ये है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम RBI बोलते हैं, मतलब बैंकों का बैंक होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब आपके लिए क्वेश्चन है रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। फिर देखते हैं रेपो रेट यानी कि रेपो दर क्या है। तो जैसे मान लीजिए रिजर्व बैंक है, मतलब एक तरफ होता है RBI बोले तो बैंकों का बैंक, और दूसरी तरफ होते हैं बहुत सारे बैंक। तो बहुत सारे जो बैंक होते हैं अपनी दैनिक क्रियाकलाप के लिए जो RBI है, RBI से कुछ पैसे लेते हैं। तो पैसे कैसे लेते हैं, कुछ ब्याज दर पे लेते हैं। तो उस ब्याज दर को, मतलब जिस ब्याज दर पे वो दिन भर की क्रियाकलाप के लिए पैसे लेते हैं, उसे बोलते हैं हम रेपो रेट। और इसी के अगर रिप्लेस में अगर बात करें, मतलब इसके विपरीत में, तो कभी कभी क्या होता है बैंकों के पास में दिन भर की क्रियाकलाप के बाद कुछ पैसे बच जाते हैं, तो वो क्या करते हैं रिजर्व बैंक के पास दे देते हैं। तो रिजर्व बैंक उस जमा पैसे के बदले कुछ ब्याज देता है, तो उसे बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। मतलब हम बोल सकते हैं जो CRR होता है, मतलब एक प्रकार से रिवर्स रेपो रेट हम उसे बोल सकते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, किसी देश के गिनी गुणांक के एक, मतलब एक के मान का क्या अभिप्राय है। तो गिनी गुणांक क्या है, उस देश में उपलब्ध, मतलब हम यहाँ बोल सकते हैं किसी देश में जो जनता होती है उसको संसाधनों का अगर पूर्ण समान वितरण किया जाता है, मतलब उसका वितरण किस प्रकार किया जाएगा, इसे हम गिनी गुणांक से मापते हैं। और अगर इसका आंसर जीरो आता है तो समझ लीजिए क्या है, समान वितरण हुआ है सभी के मध्य। और अगर एक है इसका मतलब होता है असमान वितरण हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत सरकार का एक प्रमुख उपक्रम MCA 21 किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ये है गवर्नेंस यानी कि ई प्रशासन से रिलेटेड है ये। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत सरकार का एकमात्र स्टील प्लांट जो समुद्र के किनारे स्थित है, तो इसका राइट आंसर क्या है, ये वाइजेक स्टील प्लांट विशाखापट्टनम में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ जान लेते हैं, उसके बाद हम MCQs में आएंगे। तो हिमा दास के बारे में यहाँ बात की जा रही है, आपको पता होगा ये जो है इन्होंने 400 मीटर स्प्रिंट में रजत पदक और वह जो है जकार्ता में इसी वर्ष आयोजित एशियाई खेलों में यानी कि 400 मीटर की जो रिले है इसमें स्वर्ण पदक जीता। यूनिसेफ द्वारा उन्हें अपने कार्यों को कार्यान्वित करने के लिए जो है विभिन्न पहलों के लिए यहाँ जो ब्रांड एम्बेसडर के रूप में घोषित किया है। तो ये जो है राजदूत के रूप में यहाँ पे हिमा दास जो भूमिका होगी उनकी क्या होगी, बच्चों के अधिकारों और आवश्यकताओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने और निर्णय लेने में सक्रियता, जो सक्रिय प्रतिभागियों के रूप में बच्चों और युवाओं की आवाज़ को बढ़ाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। इसके अलावा नेक्स्ट एक और न्यूज़ देखते हैं हम यहाँ पर, लियोनेल मेसी है जो भी इम्पोर्टेंट खेलों से रिलेटेड, तो ये बार्सिलोना के है फुटबॉल खिलाड़ी। और यहाँ देखिए ये जो फीफा वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर है इसके रूप में इनको नामित किया गया है, और इसके साथ ही उनका फुटबॉल के महान सम्मान के उनके संग्रह में एक और किताब शामिल हो गया है। और जो लियोनेल मेसी है इन्होंने ज्यूरिक में फीफा के गाला समारोह में पिछले दो विजेताओं यानी कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो और काका इसको हराकर प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त किया है। तो ये पर्सन है, आपको याद रखना थोड़ा सा इनके बारे में। अब बात करते हैं यहाँ पे 75 रुपये का सिक्का जारी करने की यहाँ घोषणा की गई है। तो इसकी अगर बात करें हम, तो जो गवर्नमेंट है हमारी उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा
पोर्ट ब्लेयर पर पहली बार तिरंगा फहराने की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर यहां 75 रुपए का सिक्का जारी करने का निर्णय लिया गया है। तो क्या हुआ था, 30 दिसंबर 1943 को जो सुभाष चंद्र बोस जी है, इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी कि जो INA है इसका गठन किया था, और जिसने सेल ब्लेयर सेलुलर जेल में पहली बार तिरंगा फहराया था। और सिक्का का कुछ फीचर्स हम देख लेते हैं, जैसे सिक्का का वजन होगा 35 ग्राम और इसका जो स्ट्रक्चर होगा 50% यहाँ चांदी रहेगी, 40% तांबा और निकल और जिंक जो रहेंगे 5% रहेंगे। इस प्रकार टोटल मिलाकर 100% ये सिक्का निर्मित होगा। अब बात करते हैं यहाँ यस बैंक के बारे में बात की जा रही है। तो यस बैंक जो है एक प्रकार से यस बैंक लिमिटेड इंडिया का जो है फोर्थ लार्जेस्ट यानी कि प्राइवेट सेक्टर का 4th नंबर का सबसे बड़ा बैंक है, और जिसको फाउंड किया गया था 2004 में किसके द्वारा, राणा कपूर और अशोक कपूर के द्वारा। और हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे, मुंबई में, CEO हमको पता है राणा कपूर है। और इसके द्वारा जो अभी यस बैंक के लिमिटेड के चेयरमैन है अशोक चावला, इन्होंने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जिसे हम बोलते हैं CBI इसके द्वारा भ्रष्टाचार चार सीट में नामित होने के बाद ऋणदाता बोर्ड से तत्काल प्रभाव से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इनकी बात करें हम अशोक चावला की, तो NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निदेशक मंडल के वर्तमान अध्यक्ष है, और विक्रम लिमाई NSE के प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में हैं। अब आप स्टार्ट करते हैं हमारे MCQs। देखिए पहला क्वेश्चन है, किस बीमारी के तहत ब्रिटेन स्थित गैर सरकारी संगठन सेव द चिल्ड्रन द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है, और वर्ष 2030 तक भारत में 17 लाख बच्चों की मौत की आशंका व्यक्त की है। मतलब कौन सी बीमारी है जिसके द्वारा ये जो है ये रिपोर्ट यहाँ व्यक्त की गई है, तो कौन सी बीमारी है, निमोनिया है। तो इसके द्वारा यहाँ पे ये बोला गया है कि 2030 तक 17 लाख बच्चों की यहाँ मौत की आशंका व्यक्त की जा रही है, जो सेव द चिल्ड्रन है कहाँ की, ब्रिटेन स्थित गैर सरकारी संगठन है। तो इसके बारे में हम बात करें यहाँ पे, तो ये जो है विश्व निमोनिया दिवस के अवसर पर इसको जो है यहाँ पे अध्ययन किया गया है और ये रिपोर्ट जारी की गई। इस संक्रामक बीमारी के चलते 2030 तक 5 साल से कम उम्र के 1.1 करोड़ जो बच्चे हैं उनकी मौत होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। अब यहाँ जैसे देखें तो मुख्य रूप से कहाँ कहाँ प्रभावित रहेंगे, जैसे नाइजीरिया है, भारत है, पाकिस्तान है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज यहाँ पे ये हो सकता है। और मलेरिया की अगर बात करें हम, तो ये जो है दस्त एवं मलेरिया दस्त जो निमोनिया है, मलेरिया दस्त एवं खसरा इन सबको मिलाकर जितनी मौतें होती है उससे कहीं ज़्यादा ये जो निमोनिया है इससे अकेले से होने की यहाँ संभावना व्यक्त की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसके द्वारा यंग इंडिया एंड वर्क नामक एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें भारत के 76% युवा सरकार द्वारा चलाई जा रही युवा कौशल विकास योजनाओं में गहरी रुचि रखते हैं, जबकि 70% युवाओं को इन सरकारी कौशल विकास योजनाओं का सटीक ज्ञान नहीं गया है। तो यहाँ देखिए ये किसके द्वारा ये बोला गया है, मतलब किसके द्वारा जारी किया गया है, तो ये किया गया है ORF और WEF, तो ये दोनों के द्वारा, यानी कि राइट आंसर हमारा क्या होगा, सी। अब बात करते हैं इनकी, तो ORF यानी कि ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो यहाँ हम देखें तो इस अध्ययन में युवाओं का जो है रोजगार प्राप्ति के प्रति रुख का पता लगाया गया है, और सर्वेक्षण में भारत के 15 से 30 वर्ष के 5,764 युवाओं को शामिल किया गया है। सर्वेक्षण मुख्य रूप से देखें हम तो आंध्र प्रदेश, असम, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल एवं दिल्ली के युवाओं से डेटा एकत्रित किया गया है। और मुख्य रूप से अगर बात करें यहाँ में तो IT यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, संचार यानी कि कम्युनिकेशन, और दूरसंचार यानी कि टेली कम्युनिकेशन क्षेत्र के जो युवाओं है उसके सबसे बड़े नियोक्ता के रूप में यहाँ उभरे हैं, और 50% से अधिक युवा सरकारी नौकरियों को वरीयता देते हैं, जबकि मात्र 23% जो युवा है निजी क्षेत्र की नौकरियों को वरीयता देते हैं यहाँ पर। अब बात करते हैं यहाँ पे WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसे हम बोलते हैं विश्व आर्थिक मंच, जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है और एक प्रकार की गैर लाभकारी संस्था है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जुनेवा में, और स्विस अधिकारियों द्वारा इसे एक निजी सार्वजनिक सहयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में मान्यता दी गई है। मिशन विश्व के व्यवसाय, राजनीति, शैक्षिक और अन्य क्षेत्रों में अग्रणी लोगों को एक साथ लाकर वैश्विक, क्षेत्रीय और औद्योगिक दिशा तय करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इस फोरम की स्थापना 1971 में यूरोपियन प्रबंधन के नाम से जिनेवा विश्वविद्यालय में कार्यरत प्रोफेसर क्लॉस एम श्रॉप इनके द्वारा की गई थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से किस संचार उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया है, तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है GSAT-29। तो यहाँ अगर बात करें हम इसरो की, तो इसरो के जो वर्तमान अध्यक्ष है के सिवान है, और हेडक्वार्टर कहाँ है इसरो का, बेंगलुरु में, और इसके जो संस्थापक है विक्रम साराभाई। स्थापना कब हुए था, 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। और उपग्रह की अगर बात करें हम, तो इसका वजन है 3,423
और यह उपग्रह इसरो के सबसे ताकतवर रॉकेट GSLV MK3D2 इसके जरिए यहाँ पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया है। श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया ये 67वां उपग्रह है। और अगर भारत का बात करें, मतलब संचार सैटेलाइट है, और भारत की अगर बात करें यानी कि भारत के द्वारा कितने, जो बाहर के मिलाकर 67 है परंतु भारत अकेले के कितने हैं, 33 यानी कि 33वां है ये। इसरो द्वारा प्रक्षेपित किए गए GSAT-29 उपग्रह को भारत के लिए काफ़ी मतलब महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कैसे, जम्मू कश्मीर है और पूर्वोत्तर के जो दूर दराज के जो भी इलाके हैं उसमें इंटरनेट पहुंचाने में काफ़ी मदद देगा। और उपग्रह में यूनिक किस्म का हाई रेजोल्यूशन कैमरा लगा है, इसे क्या नाम दिया गया है, GEO-I नाम दिया गया है, मतलब GEO-I इसका नाम दिया गया है। इससे हिंद महासागर में जहाज़ों पर भी निगरानी रखी जा सकती है और यह पूरी तरह से भारत में बना है। और इसमें जो मतलब साल लगे हैं, 15 साल लगे हैं टोटल मिलाकर प्रोजेक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वच्छ भारत मिशन के तहत अब तक भारत में 4.30 मतलब 30 लाख गांव और 444 जिले और टोटल मिलाकर 19 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश यहां ODF यानी कि ओपन डेफिकेशन फ्री, जिसे हम बोलते हैं खुले में शौच मुक्त है, घोषित किए जा चुके हैं। और लक्ष्य की अगर बात करें यहां, तो कब तक इसका पूरा लक्ष्य रखा गया है कि पूरे भारत को खुले में शौच मुक्त किया जाएगा, तो ये कब तक किया जाएगा, गांधी जी की 150वीं जयंती मतलब 2019, और गांधी जी की जयंती कब आती है, 2 अक्टूबर को। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ए। यहाँ बात करते हैं हम, तो 150वीं जयंती के तक जो है यहाँ पर इसका जो टारगेट रखा गया है, और अब तक इस अभियान के 8 करोड़ से भी ज़्यादा घरों में शौचालय बनाए जा चुके हैं। इनमें मुख्य रूप से जो स्टेट शामिल है, जैसे मान सकते हैं हम सिक्किम है, हिमाचल प्रदेश है, केरल, हरियाणा, उत्तराखंड, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़ और दमनदीप, इनमें ये जो है स्वच्छता का अभाव हर साल यहाँ पर देखिए, ये मुख्य रूप से ये जो यहाँ पर 1 लाख से भी अधिक बच्चों की यहाँ मौत के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियन की शुरुआत, मतलब चैंपियनशिप की शुरुआत कहाँ पर हुई है, तो ये हमारी देश की राजधानी है नई दिल्ली, इसके अंतर्गत ये स्टार्ट हो चुकी है। और इसमें अगर बात करें हम, तो यहाँ पे ये टूर्नामेंट का 10वां संस्करण है और अब तक का सबसे बड़ा सेट है, क्योंकि 72 जो है यानी कि 72 देशों के 300 से भी अधिक मुक्केबाज इसमें भाग ले रहे हैं। चैंपियनशिप 2006 में भारत द्वारा 4 स्वर्ण, 1 रजत, 3 कांस्य और इसके साथ जो पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त करने के बाद पहली बार भारत द्वारा ये आयोजित की जा रही है। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के आखिरी संस्करण में भारत ने 57 किलोग्राम वर्ग में सोनिया लादर के द्वारा सिर्फ 1 रजत जीता गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम यानी कि NCDC के युवा सहकारी उद्यम समर्थन और अभिनव योजना को लॉन्च किया गया है, तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ये लॉन्च किया गया है कृषि मंत्रालय, मतलब कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा, मतलब जो किसान जो केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री हमारे राधा मोहन सिंह, इनके द्वारा ये जो है राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के जो है युवा सहकारी उद्यम समर्थन और अभिनव योजना को इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। और योजनाओं का लक्ष्य सहकारी व्यापार उद्यमों में युवा को आकर्षित करना है, इसका मुख्य उद्देश्य है। यह योजना NCDC यानी कि जो राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम है, इसके द्वारा बनाए गए 1,000 करोड़ रुपये के सहकारी स्टार्टअप और इनोवेशन फंड से जुड़ी होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1974 में। तो इसके बारे में अगर देखें हम, तो इसे बोलते हैं इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इंग्लिश में अगर बात करें तो, और हिंदी में देखें तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी से बोलते हैं। इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, फ्रांस, मतलब जो पेरिस है इसके अंतर्गत है। और इंटरनेशनल जो एनर्जी एजेंसी है, इन्होंने अपनी नवीनतम रिपोर्ट यानी कि वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक में कहा है कि जो भारत है, भारत में 2030 से पहले ऊर्जा क्षेत्र से कार्बन डाइऑक्साइड के दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक बनने के लिए अमेरिका से आगे निकल जाएगा। और 2040 तक अगर बात करें, तो भारत के ऊर्जा क्षेत्र से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन लगभग 80% तक बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। क्योंकि क्या है, ऊर्जा के उपयोग के रूप में लगभग 3 गुना एयर कंडीशनिंग द्वारा यह संचालित है और चीन सबसे बड़ा उत्सर्जक बना रहा है यहाँ पर। अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन, जो कि आपको कमेंट बॉक्स में इनका आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन जो है, तारापुर समिति किससे संबंधित है, फिर देखते हैं सहभागिता नोट संबंधित है, इसके अलावा आयात एवं निर्यात पर लगने वाले कर को जाना जाता है किस नाम से, इसके अलावा हिंदू समृद्धि दर का संबंध किस समृद्धि से है, और जो लास्ट क्वेश्चन है, किस समिति ने उद्योग में लघु क्षेत्र के लिए वस्तुओं का आरक्षण समाप्त करने की संस्तुति की है। तो ये 5 क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है।
और सभी लोग कोशिश करें कि कमेंट बॉक्स में आंसर दें ताकि आपका जो है रिवीजन होते चले। तो ये तो था हमारा करेंट अफेयर का वीडियो, अगर आपको पसंद आता तो आप लाइक कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।